सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का आभा आईडी कैसे क्रिएट करना है और कैसे लिंक करना है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि पिछला जो अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि आप लोगों से बोला गया है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों को अपने पोषण ट्रैकर ऐप की धात्री महिला और गर्भवती महिला का आभा आईडी क्रिएट करके लिंक करना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को उसी के रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, किस प्रकार से आप लाभार्थियों का आभा आईडी क्रिएट करेंगे। तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद बेनिफिशरी वाली कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। बेनिफिशरी वाली कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर का हमें आभा आईडी क्रिएट करना है। बाकी यहाँ पे जो बच्चे हैं उनका अभी आभा आईडी क्रिएट नहीं करना है। तो दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आपको आ जाना है। चलिए हम यहाँ पे आपको एक आभा आईडी क्रिएट करके दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पे लैक्टेटिंग मदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जिनका भी आपको आभा आईडी क्रिएट करना है तो उनके नाम के आगे जो 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक लाभार्थी का आभा आईडी क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट रीट्राइव आभा पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप लोगों को उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, जिस भी लाभार्थी का आप आभा आईडी क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर उस लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। 4 अंकों का जो OTP जाएगा यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। तो आप लोगों को ये प्रोसेस एक बार करना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आभा आईडी है वो क्रिएट होगा। तो चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और इनका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा कि इनका जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन खुल के आ जाएगा। पहला है आभा डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और दूसरा है मोबाइल OTP। तो जो मोबाइल OTP वाला ऑप्शन है, यहाँ पे उस लाभार्थी के आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उससे यहाँ पे आप लोग जो आभा आईडी है उनका क्रिएट कर सकते हैं। या फिर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोगों को पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आभा डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आप लोगों का सिर्फ मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए। पहले वाले ऑप्शन से आप लोग आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर वेरीफाइड दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस प्रकार से एक चेकबॉक्स दिखाएगा, जिस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आभा इज सक्सेसफुली लिंक विथ प्रोफाइल, यानी कि इनका जो आभा आईडी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और इनके प्रोफाइल के साथ लिंक भी हो चुका है, वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक किया जा रहा है। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो भी लाभार्थी हैं उनका आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इनका रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जिस भी लाभार्थी का आपने यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट किया है उसके प्रोफाइल में जाके एक बार चेक जरूर कर लेना है। तो जिनका भी हमने यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट किया है तो उनके नाम के ऊपर हमें एक बार क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर उनके नाम के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस लाभार्थी का हमने यहाँ पे आभा आईडी क्रिएट किया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप के जो भी लाभार्थी हैं उनका आभा आईडी यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिस भी लाभार्थी का आप लोग आभा आईडी क्रिएट करेंगे उनका मोबाइल नंबर और आधार वेरीफाई होना चाहिए, तभी उनका जो है आभा आईडी क्रिएट हो पाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।